हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, थोड़ी सी कैंडिड होने वाली है। अब मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ। तो चलो बात कर लेते हैं ईयर 2022 की। इस साल मैंने टोटल 16 वीडियोज़ डाली जिसमें मुझे लगभग 3.25 लाख व्यूज़ आए और हमारी कम्युनिटी में टोटल 3500 न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड हुए। मैं उन सभी न्यू सब्सक्राइबर्स से और उनसे जो मेरे से 1000 सब्सक्राइबर्स से पहले से जुड़े हैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे लिए पर्सनली 2022 उतना अच्छा नहीं रहा, जिसका इफेक्ट मेरे YouTube पे भी आया। मैं अच्छे से कंटेंट शूट नहीं कर पाया, आप लोगों के लिए वीडियो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। और फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपलोडिंग मैं आप तक गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, वो मेरे काम करने का तरीका नहीं है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ मैं उसके ऊपर दिल से काम करता हूँ, पर कंटेंट क्रिएशन का एक फेज था, एक ब्लॉक था, निकल गया, बहुत सारी लर्निंग्स देखे गया। 2022 में पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो हमारी कम्युनिटी ओवरऑल 4000 सब्सक्राइबर्स प्लस हो गई है। इस चीज़ का मैं आप लोगों को जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। उसी के साथ साथ मेरी 2 वीडियोस वायरल हुई जिनमें से एक के ऊपर 2 लाख प्लस व्यूज़ हैं और दूसरी के ऊपर ऑलमोस्ट 30,000 व्यूज़ हैं। कंसिडरिंग मेरे चैनल का साइज़ जितना है ये ऑलमोस्ट 30 टाइम्स मोर है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं इन सभी 2022 के पॉजिटिव्स के लिए आपका जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो एक साल था, ख़त्म हो गया, एक नया साल है, एक नई शुरुआत है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट प्लान करके रखा हुआ है एंड आई एम बैक टू कंटेंट क्रिएशन। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके एक छोटा सा पॉजिटिव सा कमेंट छोड़ दो, क्योंकि हमें भी वापस से ट्रैक पे आने के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन तो चाहिए ही होती है। अभी करो, मैं वेट कर रहा हूँ।